नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अनवापी से जुड़े तीन मामलों पर वाराणसी जिला जज की अदालत में हुई सुनवाई, अब 3 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। मलदैया स्थित होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। प्रदेश भर में वृक्षारोपण अभियान के तहत पुलिस कमिश्नर ने पौधरोपण कर सभी से एक पौधा अवश्य लगाने की अपील की। और गुरु पूर्णिमा सहित श्रावण माह में होने वाले दर्शन पूजन को लेकर मंदिरों मठों में चल रही तैयारियां। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी से जुड़े तीन मामलों पर वाराणसी जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई, 3 अगस्त को अगली तिथि निर्गत की गई। ज्ञानवापी मामले में महीनों बाद फिर से सुनवाई शुरू हुई। ज्ञानवापी से जुड़े तीन मामलों में सुनवाई की गई। एएसआई सर्वे रिपोर्ट दाखिल होने के बाद आज सुनवाई हुई। सर्वे के बाद एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सौंप चुका है। वाराणसी जिला जज की अदालत में हुई सुनवाई में एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष ने मौखिक तौर पर आपत्ति जताई। इसके अलावा तहखाने की छत की मरम्मत, ज्ञानवापी से जुड़े 8 मुकदमों को एक साथ क्लब करने की मांग, शेष बचे हुए खानों में सर्वे करने की मांग को लेकर सुनवाई की गई। सुनवाई के लिए वाराणसी जिला अदालत ने 3 अगस्त की तारीख मुकर्रर की। देखिए, जो तीन मामले थे, एक तो तहखाने के संदर्भ में सुनवाई था, जो प्याजी का तहखाना था, जिसमें हमारा प्रार्थना पत्र पड़ा था 350/2021 का, जिसमें था कि भाई कम से कम ये जो तहखाने ऑर्डर हुआ है, ब्यास जी पूजा पाठ कर रहे हैं, उसकी छतें जर्जर हैं, दीवारें जर्जर हैं, कम्बे जर्जर हैं, उस पर चहल कदमी तमाम नमाजी करते हैं, इसलिए कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, इस पर सुनवाई हो, जिसमें उन्होंने सुनवाई अगली तारीख पे करने का आदेश दिया है। और एक किरण सिंह का मामला था, जिसमें वो चाह रही थी, उनका भी मुकदमा 610/2023 जो है क्लब होके, जो हम लोगों ने लक्ष्मी देवी सीता साहू वगैरह की तरफ, चार वादनियों की तरफ से जो दाखिल किया था, जिसके आदेश पे जिला कोर्ट ने सारे मुकदमे को क्लब किया था, वो चाहते हैं कि पुनः वो मुकदमा उनका रिवर्स होके सिविल कोर्ट जिसमें सुनवाई करे ट्रायल कोर्ट, इस पे वो अपना पक्ष रख रहे हैं, वो उनका प्रयास है, एप्लीकेशन पड़ा है, जिसमें माननीय जिला कोर्ट ने सुनवाई किया है और सुनवाई के बाद आदेश में रिजर्व कर लिया है, 3 तारीख को इस पे आदेश आ जाएगा। उस पे आज सुनवाई नहीं हुई, अगले तारीख को 3 तारीख को सुनवाई होगी, उस पे भी जो सुनवाई करने का आश्वासन जो है जिला कोर्ट ने दिया है, और इस पे माननीय न्यायालय सुनेगा, ये इस पे भी सुनवाई सब अगले नेक्स्ट तारीख को 3 तारीख को इस पे सुनवाई होगी। मलदैया स्थित होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। मलदैया स्थित होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में शुक्रवार शाम शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। होटल के 5वीं मंजिल पर आग के बाद तेज आवाज के साथ एमसीवी और वायरिंग भी जल गई। आग के बाद सायरन बजने लगा और पूरे होटल में अफरा तफरी मच गई। आग के साथ ही धुआं होटल के कमरों और हॉल में भर गया। होटल में ठहरे पर्यटक और कर्मचारी भागकर बाहर आ गए। होटल के 3 कमरों में फंसे 8 लोगों को फायर ब्रिगेड की टीम ने निकाला। होटल के कर्मचारी फायर इंस्टीग्यूशर लेकर आग बुझाने में जुट गए। आनन फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिनके पहुंचने के बाद कुछ घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। शुक्रवार शाम 6 बजे मलदैया स्थित होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में पर्यटकों के आने की तैयारी चल रही थी। 5वीं मंजिल के 3 कमरों में गेस्ट आ चुके थे और 80 मेहमानों का इंतजार था। वाराणसी में घूमने आए इन पर्यटकों ने होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल की बुकिंग की थी। सभी का चेक इन टाइम भी शाम 6 बजे था। शाम 5 बजे के आसपास अचानक कर्मचारियों ने लाइट और एसी ऑन किया तो 3रे तल के बोर्ड में स्पार्किंग हुई। तेज आवाज के साथ 2-3 आवाजें हुई और आग लग गई। आग और धुआं से सायरन बज उठा, वहीं कर्मचारियों ने भी आग लगने की आवाज लगाई। आग लगते ही पूरे होटल में हड़कंप मच गया। आग की लपटें और धुआं देखकर आसपास के लोग भी मौके पर आ गए। इसी बीच फायर ब्रिगेड और पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। इसके बाद मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत अपने अधीनस्थों के साथ
मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई। एक घंटे की मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पा लिया, फायर फाइटिंग सिस्टम ऑन किया, हाइड्रेट समेत सभी उपकरणों का उपयोग किया। दो कमरों में आग फैल गई थी, उसमें फंसे लोग चीखने चिल्लाने लगे। धुएं के चलते 8 लोगों को बाहर निकाला गया। मतलब क्या घटना थी, कैसे गया? लगभग 6:08 पे फायर कंट्रोल रूम चेक करने में हमें सूचना मिली कि ये सिंचाई होटल है, इसके 5वीं मंजिल पे रूम नंबर 512 में आग लग गई। तत्काल मौके पे हमने 3 फायर टेंडर और 1 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म हमने लगा दिया। पता चला कि 3 रूम ऑक्यूपाइड थे, लगभग टोटल 7-8 लोग रहे होंगे। तो एक व्यक्ति था जो ज़्यादा घबराया हुआ था, वो छत पे चला गया था, तो उसने वो काफ़ी पैनिक में था। उसने कहा कि मैं फंसा हुआ हूँ, हमको रेस्क्यू कर लिया जाए। हमारी टीम जो हमारे बहादुर फायरकर्मी हैं वो गए और उन्होंने 8 लोगों को और साथ में वो जो व्यक्ति जो फंसा हुआ था उसको हमने जो है सेफली इवैक्यूएट किया। हमने साथ में अपने फायर टेंडर थे, जो फायर ब्रिगेड इनलेट होता है उसका इस्तेमाल करके हमने जो है वाटर सप्लाई की, साथ साथ में जो होटल है उसका फायर फाइटिंग सिस्टम, जो डाउन कमर सिस्टम होता है, वेटराइजर सिस्टम होता है, उसका हमने प्रयोग किया और स्प्रिंकलर भी चला, और उसके कारण जो है हमारे फायर फाइटर्स ने लगभग 1.5 घंटे की फायर फाइटिंग की और आग को पूर्ण तरह काबू पा लिया। पर स्मोक जो है काफ़ी भरा हुआ था, पावर सप्लाई चूँकि कट थी, तो हमने जो है 12 कमरों का लगभग जो है उसका जो टेफ्लॉन ग्लास था वो जो सीमलेस था उसको हमने तोड़ा। साथ में हमने स्मोक एग्जॉस्टर होता है हमारे पास पोर्टेबल फायर डिपार्टमेंट के पास, वो हमने लगाया है जिससे कि स्मोक जो है जल्दी निकल जाए। और चूँकि स्मोक लाइटर होता है तो ऊपरी सतह पर जाता है, हमने जो ग्लास तोड़े हैं तो उससे आसानी से बाहर निकला, फिर शेयर अंदर आ गया। सेफली है, हमने जो सभी लोगों को निकाल लिया, तो कोई जनान नहीं है। एक फायर कर्मी के चोटे होने की बात आ रही है। सामान है, माल का नुकसान वो वही जो एक कमरा में हुआ है और जो वाटर लॉगिंग हो गई है। एक फायर कर्मी के चोटिल होने की बात आ रही है उनका? नहीं नहीं, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जो हमने देखा है अभी प्रथम दृष्टि उसमें कोई ऐसा चोटिल नहीं है। चोटिल क्या है उसे, क्योंकि आग लगी थी तो आग का ऐसा कुछ नहीं था। प्रदेश भर में वृक्षारोपण अभियान के तहत पुलिस कमिश्नर ने वृक्षारोपण कर सभी से एक पौधा अवश्य लगाने की अपील की। प्रदेश भर में चल रहे वृक्षारोपण अभियान के तहत वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने वृक्षारोपण करते हुए आम जनमानस को एक पौधा अवश्य लगाने के लिए जागरूक किया। पुलिस कमिश्नर और एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने अपने कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर इस अभियान को गति दी। बताया कि हर थाने में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है। उसी क्रम में पुलिस कार्यालय और पुलिस लाइन में भी व हर थाने में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने सभी से पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण अवश्य करने की अपील की। देखिए, आज पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है। उसी क्रम में पुलिस कार्यालय और पुलिस लाइंस में भी और हर थाने में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हर पुलिसकर्मी के द्वारा कम से कम एक वृक्ष जो है इसको लगाया जा रहा है। जैसा आप सभी जानते हैं कि वृक्ष हमारे पर्यावरण को उसको क्लियर करने के लिए उसको बहुत ज़रूरी है, जो है आज की डेट में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको रोकने के लिए। तो मेरी सभी लोगों से अपील है कि कम से कम एक पेड़ इस अवसर पर जरूर लगाएं। गुरु पूर्णिमा सहित श्रावण माह में होने वाले दर्शन पूजन को लेकर मंदिरों मठों में तैयारियां की जा रही हैं। नगर में श्रावण माह में होने वाले दर्शन पूजन एवं गुरु पूर्णिमा की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। मंदिरों को आकर्षक रूप देने व साफ सफाई में श्रद्धालु साधु संत लग गए हैं। शिवालयों में अभी से ही हर हर महादेव की गूंज उठने लगी है। ईश्वर गंगी स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर के महंत मधुर कृष्ण जी महाराज ने बताया कि रविवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा एवं सोमवार से श्रावण का श्रृंगार व पूजन अर्चन प्रारंभ हो जाएगा। इस बार सोमवार से शुरू हो रहा श्रावण बड़ा ही फलदायी है और इस बार 5 सोमवार भी पड़ रहा है। प्रत्येक सोमवार सहित पूरे श्रावण माह में विविध अनुष्ठान किए जाएंगे और बाबा का विधिवत पूजन अर्चन किया जाएगा।
मास का पवित्र महीना इस बार सोमवार के दिन से ही सावन मास का आरंभ हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, इसलिए यह शुभ विशेषकर सुख प्रदायक है। इस सावन में सिद्धपीठ श्री जागेश्वर महादेव मंदिर में विशेष करके भक्तों के लिए शिव पूजन की विशेष व्यवस्था है। यहाँ पर भगवान का श्रृंगार, मंगला दर्शन, आरती, दिन भर रुद्राभिषेक, भजन संध्या, सुंदरकांड पाठ, प्रसाद वितरण, भंडारे का भी आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों शिष्य भक्त सम्मिलित होकर भगवान का दर्शन कर पूजन अर्चन कर अपने जीवन का कल्याण करेंगे और अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति करेंगे। इस बार श्रावण मास सोमवार से लगने के कारण विशेष शुभ फलदायक है, इसलिए श्रावण का यह पवित्र महीना बहुत ही शुभदायक माना गया। हाँ, कल गुरु पूर्णिमा है, कल गुरु भगवान का प्रातः 9 बजे से पूजन किया जाएगा और पूजन आरती भगवान का विशेष रूप से गुरु पूजन आरती किया जाएगा, जिसमें हजारों शिष्य भक्त भगवान का भी दर्शन करेंगे और गुरु का भी दर्शन करके आशीर्वाद लेके अपने जीवन का प्रसाद करेंगे। मंदिर में विशेष रूप से गुरु पूजन का विशेष रूप से आयोजन किया गया है, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं वही गुरु है, इसलिए उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके ही श्रावण महीना प्रारंभ हो। यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रोटरी क्लब वाराणसी शिवगंगा द्वारा पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत प्राइमरी पाठशाला परिसर में वृक्षारोपण किया गया। रोटरी क्लब वाराणसी शिवगंगा द्वारा पर्यावरण संरक्षण अभियान के अंतर्गत प्रथम चरण में नाटिमली स्थित बेसिक प्राइमरी पाठशाला परिसर में पाठशाला के बच्चों के साथ पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ इस दुनिया को सुंदर बनाओ के स्लोगन के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थापक अध्यक्ष रविशंकर सिंह ने पाठशाला के बच्चों को वृक्षारोपण के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर पेड़ की वेशभूषा में स्कूल के 5 बच्चे सभी के आकर्षण का केंद्र बने रहे। सर्वप्रथम अध्यक्ष अरविंद विनोद अग्रवाल ने आम के पेड़ का रोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सदस्यों ने लगभग 25 से अधिक ऑक्सीजन व फल देने वाले पौधों का रोपण कर पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लिया। प्रारंभ में सचिव आनंद बर्मन ने स्वागत, अंत में संयोजक श्यामजी गुप्ता ने आभार ज्ञापित किया। इस मौके पर प्रमुख रूप से अरविंद विनोद अग्रवाल, रविशंकर सिंह, अनूप नागर, शलभ शर्मा, ज्ञानेश सेठ सहित स्कूल के अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित रहे। जैसा कि योगी सरकार द्वारा वृक्षारोपण की पहल की गई है कि पूरे प्रदेश में 1 जुलाई से सितंबर तक में 36.5 करोड़ पौधे लगाने हैं, उसी को सार्थक करने के लिए रोटरी भी वृक्षारोपण के कार्यक्रम में पूरी तरह से जुटा हुआ है और हमारा क्लब रोटरी क्लब वाराणसी शिवगंगा का इस साल का मोटो ही यही है कि हम लोग अनवरत वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते रहेंगे, क्योंकि वृक्ष आज के समय में धरा को बचाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसी कड़ी में आज हम लोग बेसिक प्राइमरी पाठशाला नाटी इमली में वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने आज 15-20 पेड़ों को फलदार और छायादार पेड़ों का लगाने का कार्य किया है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि इन पेड़ों को बड़ा होने तक हम इनकी देखभाल करते रहें। 12वीं मुहर्रम पर इमाम हुसैन व शहीदाने करबला के तीजा पर अकीदत के साथ जुलूस निकाला गया।
12 मुहर्रम जुमा के दिन इमाम हुसैन और शहीदाने करबला का तीजा पूरी अकीदत के साथ मनाया गया। देश और दुनिया के साथ शहर बनारस में भी अलम के जुलूस का सिलसिला जो शुरू हुआ तो वो रात 10 बजे तक जारी रहा। हुसैन जिंदाबाद के नारे के साथ अपने अपने इलाकों के रोजों पर पहुंचता रहा। सबसे ज्यादा जुलूस दरगाह फातिमा, लल्लापुरा, सदर इमामबाड़ा और रामनगर में पहुंचा। काली महल शिया मस्जिद में तकरीर करते हुए शिया जामा मस्जिद के प्रवक्ता हाजी फरमान हैदर ने कहा कि 1400 साल गुजरने के बाद भी करबला के दास्तान को हम भूले नहीं। इंसानियत को बुलंद मुकाम तक पहुंचाने वाले सभी मजहब और दुनिया के लोग अपने अपने अंदाज में खिराजे अकीदत पेश करते रहे। जुम्मा होने के कारण शहर के सैकड़ों मस्जिदों में भी इमाम की शहादत का जिक्र होता रहा। शिया समुदाय के हर घर में फूल की मजलिसों का आयोजन हुआ। दर्जनों इमाम चौक से उठने वाले अलम को अकीदतमंदों ने सजाया था। वहीं शनिवार 13 मुहर्रम को सदर इमाम बाड़े में दुलदुल का जुलूस निकाला गया, जहां शहर के दर्जनों अंजुमनों ने नौहा मातम किया। वाराणसी में गंगा महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। गंगा महासभा की बैठक में गंगा जी के मुद्दे पर सैकड़ों की संख्या में गंगा महासभा से जुड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ता वार्ता करने हेतु वाराणसी पहुंचे। वहीं गंगा महासभा के संगठन मंत्री गोविंद शर्मा ने बताया कि आज गंगा महासभा की वाराणसी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें बाबा की नगरी में गंगा जी के तट पर गंगा जी के विषयों पर चर्चा करने के लिए पूरे देश से सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता वाराणसी पहुंचे हैं। इस दौरान विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई। काशी के सांसद हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो पूरी सरकार ही उनके नेतृत्व में है। यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और अब तो जो इस समय हमारे जो जल शक्ति मंत्री बने हैं उनका भी काशी से नाता रहा है। आप जानते हैं सीआर पाटिल जी जो काफ़ी समय तक काशी के प्रभारी थे, गुजरात के अध्यक्ष के बाद अब वो केंद्र में एक जल शक्ति मंत्री बने हैं। और जहाँ तक हमारे पास सूचना आ रही है कि उनकी सच में इच्छा है कि गंगा जी पर ठोस काम हो और जो काम अब तक बचा रह गया है वो काम हो, तो हम इन सारे लोगों तक पहुँचेंगे और निश्चित रूप से हम अपने मन की बात उनके सामने रखेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अनवापी से जुड़े तीन मामलों पर वाराणसी जिला जज की अदालत में हुई सुनवाई, अब 3 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। मलदैया स्थित होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। प्रदेश भर में वृक्षारोपण अभियान के तहत पुलिस कमिश्नर ने पौधरोपण कर सभी से एक पौधा अवश्य लगाने की अपील की। और गुरु पूर्णिमा सहित श्रावण माह में होने वाले दर्शन पूजन को लेकर मंदिरों मठों में चल रही तैयारियां। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।